हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने गांव उत्तराखंड आई हूं और मेरे लास्ट व्लॉग में मैंने आपको मंदिरों के दर्शन कराए थे, ये उसी का सेकंड पार्ट है। तो आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए। सो अब हमारी पूजा हो गई है और हम लोग नीचे जा रहे हैं। बहुत ही संभल के जाना पड़ता है क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ब्राउन ब्राउन सी घास, इसको पिरू बोलते हैं और इसमें पैर बहुत बुरी तरीके से फिसलता है। लक्की तो फिसल भी गया है, तो बहुत संभल संभल के चलना पड़ता है इसमें। जब लक्की फिसला था उसके हाथ में बाल्टी थी, वो बाल्टी लेके फिसला। तो अभी हम लोग लोटा ढूंढ रहे हैं, बाल्टी तो मिल गई, लोटा नहीं मिल रहा। ढूंढ, तूने गिराया है, तू ही फिसला था, तुझे घुसट्टी खेल ली थी ना। और ये देखो, ये देखो, ये कैसे उतर रहे हैं। डैमो दो, खतरों के खिलाड़ी। मैं तो आराम से उतरूंगा, गिर चुका है। ये गिर चुका है इसलिए ये आराम से उतर रहे हैं। और वो देखो, वो फिसल फिसल के उतर रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा ना ये फिसलने का वो रहता है। मेरी बारी, मैं कैमरा बंद कर देती हूँ, कहीं मैं भी फिसल के नीचे ही ना पहुंच जाऊं। एंड ये जो स्कूल आप देख रहे हो, मैं इसमें पढ़ी हुई हूँ, फर्स्ट तक इसमें पढ़ी थी, फिर हम जयपुर चले गए थे। ये जो आप ऑरेंज ऑरेंज से देख रहे हैं, इन्हें हिसालू बोलते हैं, जो कि खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हिसालू होते हैं। एंड मुझे यहाँ पे एक छोटा सा झरना भी मिला है जिसका पानी बहुत ठंडा है। मतलब अभी तो इसमें पानी कम है, जब बरसात आएगा ना तो ये अब जो पत्थर देख रहे हैं ना, ये पूरे पानी से भर जाते हैं। अभी तो थोड़ा सा पानी रहा है इसमें, नीचे तक है ये। जितने दोनों का जोड़ा ही मिला है तुम्हारे, राम मिला है जोड़ी, एक अंधा को एक गोड़ी बोलते हैं। एंड ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे से, इसको किलमड़ बोलते हैं। अभी तो ये हरे हैं, जब ये ब्लैक हो जाते हैं, पक जाते हैं, तब इसको खाते हैं। तो अभी तो मैं भी इसे नहीं खा सकती क्योंकि ये हरे हैं अभी। बाकी सब नीचे चले गए, मैं ही बची हूँ। मैंने ऊपर आपको दिखाया था एक झरना जिसे पहाड़ी भाषा में गाढ़ बोला जाता है, तो वो यहाँ तक नीचे तक आ रहा है। अभी यहाँ पे पानी नहीं है, जब बरसात आएगी ना तो ये बिल्कुल पूरा भर जाएगा, पत्थर भी नहीं दिखेंगे। एंड यहाँ पे गेहूँ की फसल हो रखी है जो कि अभी हुई है, मतलब पकी नहीं है, कुछ पक चुकी है कुछ नहीं पकी है। और ये धारा है जहाँ पे पानी आता है। पहले तो ये पूरा खुला हुआ था, ये जो वाइट वाइट टाइल्स आप देख रहे हैं, भगवान जी जो देख रहे हैं ना, ये पहले खुला हुआ था, अब इन लोगों ने बंद कर दिया है, अच्छे से बना दिया है इसे। पहले तो इसमें काफ़ी पानी आता था, ये जो पूरा भर के पानी आता था, थोड़ा पानी रह गया है, बहुत ठंडा पानी रहता है, ये पीते भी हैं। अब हम लोग मेरी ताई जी के घर पे हैं। जैसा कि आप व्लॉग में देख रहे हैं कितना हरा भरा है। अभी दिन के सिर्फ 2 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और बहुत तेज़ हवा भी चल रही है। अब मैं आपको इस घर के कुछ स्पेशल मेंबर्स से मिलवाती हूँ। ये देखिए, जिसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका नाम सोमा देवी है और इसे बिल्कुल पसंद नहीं है इसके खाने के टाइम पर कोई इसके पास आए। वैसे तो ये बहुत शांत है, लेकिन खाना खाने के टाइम पे ये बहुत गुस्से वाली हो जाती है, तो अभी इससे दूर रहना ही ठीक है। अब मैं आपको घर के एक और स्पेशल मेंबर के रूम में लेकर चलती हूँ, और इसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि इसके रूम में कोई आए। तो ये है मिस्टर टाइगर, जो कि मेरे आने से बिल्कुल भी खुश नहीं है।
तो जब तक मैं इसके रूम में हूँ ये चुप होने वाला नहीं है, तो इसको आराम करने देते हैं। और अब मैं आपको हमारे खेत दिखाती हूँ। और ये जो घर आप देख रहे हैं यहाँ से खेत शुरू होते हैं, और जैसे कि आप जानते हैं पहाड़ में सारे खेत सीढ़ीनुमा होते हैं, तो जितने खेत आप ये देख रहे हैं ये सारे खेत हमारे नहीं हैं, इनमें से कुछ खेत हमारे हैं, बाकी खेत दूसरी जगह हैं। शहर की भीड़ भाड़ से दूर गांव की लाइफ का मज़ा ही अलग है, जहां देखो हरियाली। और अभी सनसेट होने वाला है और यहां पर सनराइज़ और सनसेट देखने का अपना अलग ही मज़ा है। अब मैं आपको हमारे घर पर लेकर चलती हूँ जो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, क्योंकि गांव में घर बनाने के लिए जिस लकड़ी का यूज़ करते हैं उसे मजबूत रहने के लिए धुएँ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम ऑलमोस्ट 9 साल बाद यहाँ वापस आए हैं, इसलिए केयर बिल्कुल भी नहीं हो पाई है, बट पापा ने कहा है कि इसे हम ज़रूर जल्दी से जल्दी दोबारा बनाएंगे। तो ये है मेरा घर, हालत आप देख ही रहे हैं। इसी घर में मेरा जन्म हुआ था। एक लंबे टाइम तक हम इस घर पे रहे हैं। मैं 5 साल की उम्र तक यहाँ पर रही हूँ। उसके बाद हम जयपुर शिफ्ट हो गए थे, पर अम्मा बाबा यहीं रहते थे। उनके जाने के बाद हमारा भी यहाँ आना छूट ही गया और घर की हालत ऐसी हो गई। अब मैं आपको इन सब में जो सबसे छोटा है उनसे इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। इसका नाम है हसू, ये बछड़ा 2 महीने का है। और ये है शेरू, ये 2 साल का है। अच्छा, इसकी माँ मुंह कांड अप कर देगी अभी। किसका होगा ये बच्चा? ये रही छोटी सी जो कि अभी 1 महीने का है, और इसका नाम है बिसोंड। और ये मेरे और पास एक इसके पास है जिसका नाम है टपकी। ये मुझे बहुत क्यूट लगा। टपकी मुझे जयपुर ले जाना है।